लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे ब्लैडर इन्फेक्शन होने पर अपनाएं ये टिप्स, दर्द और जलन से मिलेगी राहत। भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लैडर इन्फेक्शन की समस्या में यूरिन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इस समस्या में पेट के निचले हिस्से में दर्द, जलन और चुभन जैसी समस्याएँ होती हैं। ब्लैडर इन्फेक्शन से ग्रस्त महिला के लिए लंबे समय तक यूरिन कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, साथ ही कई दिन में कई बार यूरिनेट के लिए जाने की जरूरत भी होती है। अगर इस समस्या पर लंबे समय तक ध्यान ना दिया जाए तो ये किडनी को खराब करने का भी कारण बन सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए पेल्विक एक्सरसाइज और दवाओं का सेवन जरूरी है। ब्लैडर इन्फेक्शन की समस्या से राहत पाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। वो टिप्स इस तरह हैं। पर्याप्त पानी पीने से आपको बार बार यूरिनेट के लिए जाने की जरूरत होगी। इससे बॉडी को यूरिनरी सिस्टम में बैक्टीरिया बाहर निकालने और हील करने में मदद मिलेगी, इसलिए प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का सेवन जरूर करें। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक कर रखने से यूरिन में जलन और दर्द हो सकता है, इसलिए जैसे ही आपको जाने की ज़रूरत महसूस हो तुरंत पेशाब के लिए जाएं। तला भुना और मसालेदार खाने के सेवन से आपकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके कारण यूरिन में जलन और दर्द हो सकता है, इसलिए अपनी डाइट को हेल्दी रखें। भरपूर सब्जियों का सेवन करें, इसके साथ ही क्रैनबेरी के जूस का सेवन जरूर करें। इससे पाए जाने वाले आवश्यक गुण बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। ऐसी चीज़ों के सेवन से परहेज करें जो ब्लैडर में जलन पैदा करते हैं, जैसे कैफीन, शराब, मसालेदार भोजन और खट्टे फल। पेट के निचले हिस्से पर गर्म सिकाई करने से परेशानी से राहत मिल सकती है और सूजन भी कम हो सकती है। जेनिटल एरिया को क्लीन और ड्राई रखें। यूरिनेट के बाद वाइप्स की मदद से आगे से पीछे की ओर साफ करें। ढीले डाले कपड़े और कॉटन पैंटी को पहने। इसके साथ ही टाइट कपड़ों से परहेज करें, क्योंकि इससे नमी और बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद।